हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम शिमला मिर्च कट की हुई, 2 टमाटर कट किए हुए, 1 आलू कट किया हुआ। मसालों में हमें चाहिए आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कांदा लहसुन मसाला, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच पिसी हुई मूंगफली, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कट किए हुए टमाटर डालेंगे, हल्दी पाउडर, कांदा लहसुन मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें कट किए हुए आलू डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और पिसी हुई मूंगफली डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये अच्छे से मिल चुका है, अब हम इसे ढककर 10 मिनट पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। देखिए हमारी शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।